हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पे लेटर के बारे में और लोन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, पे लेटर के बारे में, हम स्कोर इंक्रीज करने के लिए हम पे लेटर या फिर लोन लोन लेते हैं, तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि सबसे बेस्ट पे लेटर रहता है या फिर लोन एप्लीकेशन में लोन लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है और आपका इनकम का कोई शोर नहीं है, तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो आप अपने सिविल को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको मैं आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपना क्रेडिट स्कोर इंक्रीज भी कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप जैसे बताऊंगा वैसे वैसे करोगे तो आपका जो सिविल स्कोर है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। अपना क्रेडिट स्कोर इंक्रीज करने के लिए आप लोन लेते हैं या फिर पे लेटर लेते हैं, तो मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आपको सिविल स्कोर इंक्रीज करना है तो सबसे बेस्ट है क्रेडिट कार्ड है। अगर आपका इनकम में श्योर नहीं है और आपकी कहीं बैंक में इनकम नहीं आ रही है, तो आपको क्रेडिट मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि आप प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐसे पे लेटर एप्लीकेशन मिल जाएंगे, उसके थ्रू आप अपना सिविल स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि पे लेटर क्रेडिट कार्ड की तरह होते हैं। हर महीने उसका जो रिपेमेंट करते हैं वो अपडेट होता रहता है। हर महीने जैसे क्रेडिट कार्ड का होता है, वैसे हर महीने उसका जो हमारे क्रेडिट स्कोर में सिविल में वो अपडेट होता रहता है, तो वो क्रेडिट कार्ड की तरह है। और हम किसी एप्लीकेशन में लोन ले लिए, चाहे NBFC हो या फिर अदर NBFC ना हो, चाहे NBFC में कंपनी में अगर हम लोन लेंगे तो वो सिविल में अपडेट होएगा, और अगर हम जो अनसिक्योर कंपनी में लोन लेते हैं तो वो वहाँ पे क्रेडिट स्कोर में हमारा वो वहाँ पे अपडेट नहीं होएगा। और जैसे लोन एप्लीकेशन में हम लोन लेते हैं तो हमारे यहाँ पे 3 EMI में हम पे करना है। तो लोन एप्लीकेशन वाले क्या करते हैं कि कभी कभी, जैसे मान लो कि आपने फर्स्ट महीने में उसको पे कर दिया और सेकंड में पे कर दिया, तो वो फर्स्ट वाली अपडेट कर देंगे, दूसरी सेकंड वाली अपडेट नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है, क्योंकि मैंने आज से 5 महीने पहले मेरा जो लोन NBFC जो फायर मनी के द्वारा मैंने लोन लिया था, वहाँ पे 1 EMI लास्ट वाली में जमा पे कर दिया था, लेकिन वो अभी तक वहाँ पे शो कर रही है, एक्टिव बता रहा है और वो ड्यू दिखा रही है। तो हमारा जो सिविल स्कोर वो अपडेट होने में थोड़ा डिलाई होता है उसमें, तो हमारा जो सिविल स्कोर है वहाँ पे जाके वो डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारे रिपेमेंट 100% रहेगा, तो ही अच्छी जो हमारी जो सिविल स्कोर का जो पॉइंट है वो इंक्रीज होएगा। तो मैं उसी के बारे में सबसे बेस्ट पे लेटर बता रहा हूँ। तो पे लेटर आपको मैं प्ले स्टोर पर भी दिखा देता हूँ कि कौन से पे लेटर आपको यूज करना चाहिए या कौन सा पे लेटर नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि अपना सिविल स्कोर इंक्रीज करने के लिए सबसे बेस्ट पे लेटर ही होगा कि हमारा सिविल स्कोर इंक्रीज हो जाए। आपको पे लेटर या फिर लोन अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट यूट्यूब पर भागते हो, तो मैं आज ऐसा तरीका बताऊंगा आपको, जो आपको यूट्यूब पर ना जाकर आप प्ले स्टोर पर भी आप चेक कर सकते हो भाई कौन सा पे लेटर वो अच्छा है कौन सा नहीं है। दोस्तों, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो मेरे साइड में आपको स्क्रीन दिख रही है, वहाँ पे मैं आपको सर्च करेंगे प्ले स्टोर में जाके, तो हम प्ले स्टोर ओपन करते हैं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में ये जो ऊपर आपको सर्च बार दिख रहा है उसमें सर्च करेंगे पे लेटर। पेलेटर और जो पेलेटर सर्च करने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेलेटर के जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, बहुत सारे जो NBFC के जो पेलेटर हैं ये यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट में आ रहा है जेस्ट मनी, जो जेस्ट मनी के बारे में तो आप जानते हो, तो इसकी अच्छी जो रेटिंग है और सबसे बेस्ट जो शॉपिंग लोन है वो गजब कर देती है। और दूसरा आता है लेजी पे। तो हम अगर आपको ये पता नहीं चले कि NBFC है फिर NBFC है, तो आप उस जैसे मैंने लेजी पे क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इसकी रेटिंग है 4.4 रेटिंग है और 36 MB का जो एप्लीकेशन है और 5 मिलियन जो बहुत बेस्ट डाउनलोड है इनकी। हम यहाँ अबाउट दिस ऐप के अंदर जो इनकी जानकारी है जानकारी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो पे लेटर है वो बेस्ट है, या फिर नोट दिस ऐप के अंदर यहाँ पे ये अपनी जानकारी दे रखा है कि हम 15 दिन के लिए पे लेटर की लिमिट आपको यूज करने के लिए देते हैं, 15 दिन के बाद में आपको रिटर्न यहाँ पे रिपेमेंट करना होता है। और लेजी पे क्रेडिट कार्ड, तो ये एक कार्ड ही भी हमारे को जो देते हैं उसकी लिमिट, जैसे हमारे को लिमिट मिलती है पे लेटर की, वैसे ही इसमें लिमिट मिलती है। तो ये कार्ड के थ्रू हम कहीं पे भी ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इनकी जो साइट है वो यानी 250 प्लस वेबसाइट है, जो मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा हम कोई भी साइट पे हम बाय कर सकते हैं कुछ भी। इनके एप्लीकेशन के द्वारा हम UPI के थ्रू या फिर QR कोड के थ्रू या ऑनलाइन हम वैसे भी डायरेक्ट इनकी जो लिमिट यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे तो हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो इंक्रीज भी होगा। और इसी एप्लीकेशन के द्वारा हम फिर क्रेडिट स्कोर भी हमारा चेक कर सकते हैं, हम पर्सनल लोन भी ले सकते हैं इसके द्वारा। अगर आपकी जो क्रेडिट लिमिट अच्छी है और आप कभी भी इसके कोई भी एप्लीकेशन में लोन के द्वारा डिलाई नहीं की है और आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज हुआ है, तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन आपको मिल सकता है यहाँ पे। और ये है सिंपल EMI कैलकुलेशन, सब यहाँ पे जोड़ रखा है और सब दे सकते हैं।
ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमारे को कौन सा बेस्ट लगता है। अगर यहाँ पे बहुत सारे जो NBFC के पे लेटर हैं, जैसे सिंपल पे हुआ, फ्री पे हुआ, या सिजल पे, बाय नाउ पे लेटर हुआ, जो ये एप्लीकेशन है, इसके द्वारा हम फर्स्ट EMI हमारे पास से पे करेंगे, और यानी 6 EMI बनती है इसकी। तो पोस्ट पे जो भारत पे का बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है, और सॉलिड बाय नाउ पे लेटर है, क्रेडिट स्कोर बुलेट बुलेट है, बुलेट तो वैसे भी क्लोज हो चुका है ये तो। फ्री रिचार्ज पे लेटर है, मूवी किक पे लेटर है, बहुत सारे ऐसे पे लेटर है, जीरो पे लेटर है, और सलाइंस कार्ड है। तो आपको मैं एक ऐसा बेस्ट, जो आपका इन सिविल है वो अपडेट नहीं हुआ, पैन कार्ड बनवाया है और आपका सिविल स्कोर इंक्रीज नहीं हुआ, या फिर वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो मैं एक एप्लीकेशन बताऊंगा आपको, उसके द्वारा आप अपना सिविल स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं, अपडेट करवा सकते हैं। तो मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड, गैलेक्सी कार्ड। तो गैलेक्सी कार्ड आपको सबसे बेस्ट एप्लीकेशन मिलेगा, जिसमें आप 3,000 की जो FD करके आप 2,000 की यहाँ पे लिमिट पा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक कार्ड ही मिलेगा जो हर महीने आपको जो सिविल क्रेडिट स्कोर वो अपडेट होता रहेगा। क्योंकि न्यू, अगर आप नए पैन कार्ड बनाए हो तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर क्रेडिट स्कोर अपडेट नहीं है, क्योंकि 0 पॉइंट दिखाएगा, तो वहाँ पे आपको लोन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कहीं पे पे लेटर मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप बेस्ट सबसे फर्स्ट में यहाँ पे गैलेक्सी कार्ड में सबसे बेस्ट मानता हूँ कि यहाँ पे आप पैसे देकर अपना सिविल स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बारे में आपको जानकारी बता देता हूँ कि यहाँ पे हाउ टू गेट क्रेडिट लिमिट 25,000 इन अप्रूवल क्रेडिट स्कोर। तो ये बोल रहा है कि 25,000 3 मिनट में हम अप्रूव मिल जाएंगे अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हुआ तो। डाउनलोड गैलेक्सी कार्ड तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और पैन कार्ड डाल के, आधार कार्ड डाल के, और यूज आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। और इसके द्वारा अगर आप रेफर करते हो तो यहाँ पे रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे आपको, और इसकी जो रिपेमेंट है वो महीने की 15 तारीख को जनरेट होगा, और लास्ट में 31 तारीख को इनका जो बिल है वो जनरेट होगा। एनी टाइम कभी भी इनकी जो क्रेडिट लिमिट है आप यूज कर सकते हैं, और इस एप्लीकेशन के द्वारा आप बिल पे कर सकते हैं, या फिर और जैसे शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं, और कार्ड के द्वारा आप किसी भी वेबसाइट पे जाके ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आप इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यही था, सिविल स्कोर इंक्रीज करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बेस्ट एक तरीका बता दिया हूँ, जो जहाँ से आप जो सिविल स्कोर का जो पॉइंट है वो इंक्रीज होता रहेगा आपका हर महीने रूटीन टाइम पे। हाँ दोस्तों एक बात और बता देता हूँ कि इनका जो बिल जनरेट होने के बाद में अगर आप इसका रिपेमेंट करते हो तो आपका जो सिविल स्कोर है वो अपडेट होएगा। अगर आप आज यूज कर लिए और कल आपको वापस पे कर दिए तो उसमें बिल जनरेट नहीं होगा, तो वो अपडेट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी पे लेटर या फिर लोन एप्लीकेशन का न्यू एप्लीकेशन चाहिए तो यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे रेटिंग और न्यू एप्लीकेशन न्यू, तो ये दोनों में आप देख सकते हो कि अगर आपको कोई भी पे लेटर लॉन्च हुआ है प्ले स्टोर पर, तो यहाँ पे रेटिंग के पास में न्यू न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में जो भी यहाँ पे पूरी लिस्ट आएगी पे लेटर की क्रेडिट लिमिट, कोई भी न्यू एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन पे लेटर का लॉन्च हो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो थोड़ा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ के साथ में आप जरूर बता देना कि जो भी आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल